है एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज आ रही होगी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, क्यों बेटा, सही है ना? सभी की तबीयत तबीयत भैया, हाल चाल सभी बताना, बढ़िया हो एकदम? बताओ। जैसा कि आप देख रहे हो, आपको बिल्कुल मैं यहाँ पे साइंस की क्लास लेकर आया हूँ और आपको डेली ये क्लास चलेगी। ठीक है, डेली आपकी ये क्लास चलेगी और आपकी मैं डेली आपको पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जुड़ते जाइए और शेयर करो अपने दोस्तों, बच्चा ना शेयर कर दिया करो, जिससे कि भैया वो भी साइंस का एकदम बेसिक से मैंने शुरू किया है। ठीक है, बेसिक के कॉन्सेप्ट एकदम हमने शुरू किया आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको PDF क्विज, डाउट सॉल्विंग सारी चीजें आपको दी जाती है। ठीक है, सुध पास का यूज करके 25% आप ऑफ भी ले सकते हैं। ठीक है, 25% आप ऑफ भी ले सकते हैं। CDS, CAPF, CAT में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कहता है द मेन एलिमेंट इन द ओवर पिच ब्लेंड इज, या ऐसे कह लो पिच ब्लेंड किसका ओवर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ऐसे बताएं कि पिच ब्लेंड किसका ओवर होता है। ठीक है, बताओ। बिल्कुल बेटा, गुर्जर क्या हाल चाल है बेटा, मस्त हो, बढ़िया हो, सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चलिए भाई, सबसे आसान क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है कि मतलब आपसे अब कहा क्या जाए। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें तो सर यूरेनियम जो ओर है सर, वो पिच ब्लेंड है। ठीक है, पिच ब्लेंड इसका ओर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हो आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, और हाँ, अगर कोई भी आपका जैसे जो भी रेडियो एक्टिव अगर तत्व है, कोई भी अगर आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब वो उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो उसका एंड प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा पता है? वो हमेशा लेड होगा। ठीक है, PB होगा, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, बताओ। बताइएगा सभी लोग। चलिए सर, ऑर्निथोलॉजी आपका किसका अध्ययन कहलाता है? स्टडी ऑफ बर्ड, पक्षी का अध्ययन आपको ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का बेटा जवाब नहीं दिए तो ठीक है। आइए, अगर ये ध्यान दीजिएगा तो आपको पता है इसके फादर किसे कहे जाता है, इसके पिता किसे कहा जाता है, इसके फादर आपको किसे कहा जाता है। सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ठीक है, इसका जो फादर है वो बोला जाता है, बहुत ही प्यारा नाम, क्या? सलीम अली को बोला जाता है। ठीक है, सलीम अली, सलीम अली आपका वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है सर? आपने गोवा का नाम सुना होगा। नेशनल पार्क कहाँ है सर? आपने जम्मू का नाम सुना होगा। ठीक है, चलिए। ट्रिटिकम सेटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, बताना है। ट्रिटिकम सेटाइवम सर ऑर्निथ क्या है बेटा? ऑर्निथोलॉजी में आपका पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए। ट्रिटिकम सेटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, ठीक है, जो आंसर बताया बेटा वही जवाब है ना। चलो बताइएगा, चलो बताओ। ऐसा ऐसा बिना मतलब का क्वेश्चन भैया, जिसका अध्ययन करोगे उसी के नाम पे तो पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए। बिल्कुल सर, ये गेहूं होता है, नॉट अ राइस बेटा, ये आपको ट्रिटिकम सेटाइवम है ना। ठीक है, स्टाइवम आपका ट्रिटिकम सेटाइवम भी कहते हैं, वो आपका गेहूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, बताना है। जो इलेक्ट्रिक का बल्ब आपने देखा होगा ना, वो किसका बना होता है? ये देखो आपका बल्ब है मान लो। ठीक है, ये देखो आप बीच में ऐसा बना रहता है, ये आपने ऐसा देखा होगा, और यहाँ पे आपने ऐसे देखा होगा, और ये देखो आपका ये बना रहता है, ये किसका बना होता है ये बताना है। ठीक है, चल, बिल्कुल बहुत अच्छे, ओके दुर्गेश, ठीक है, वेरी गुड पुनीत।
ठीक है, अरे बड़ा तेज यार डिलीट किए हो। आइए चलिए सर, ये आपका टंगस्टन होता है, ठीक है। टंगस्टन इसका सिंबल क्या है? सिंबल बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सर डब्लू होता है। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, तो आपके जो दोस्त मित्र हैं वो कम से कम दौड़ते दौड़ते भागते हुए आएंगे। बिल्कुल, गुड इवनिंग। अ बॉडी ऑफ इनसाइड द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन जी, तो आपको क्या मिलेगा? ऊपर जाएगा तो आप कहोगे कि सर हमारा जो डब्लू है ना उसमें आपका एक्सेलरेशन जुड़ जाएगा, लेकिन ऑप्शन तो सर ऐसा कुछ दिया नहीं, तो आप क्या लगाओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना। जब लिफ्ट में ऊपर जाते हो तो आपको जो जी है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिया नहीं है सीधे सीधे, तो आप अपने दिमाग से बताइए क्या लगाएंगे इन चारों ऑप्शन में से। बताइए, बताओ। ठीक है, बिल्कुल सर, 2W हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई नहीं दिया तो दिमाग आपका कहाँ गया। सर W प्लस W कह लो या 2W कह लो, ठीक है। बोन एंड कार्टिलेज आर, बताना है सर ये जो हड्डी और उपास्थि ये क्या है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, फ्लूड कनेक्टिव है, या आपके कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू, बताना है ये क्या, बताइए। ओके ओके, सोच समझ के बेटा, ब्रेन मास्टर तुम कुछ गलत दे रहे हो, थोड़ा सा फिर से दिमाग लगाइए, ठीक है, थोड़ा सा फिर कुछ दिमाग लगाइएगा, ज्यादा नहीं थोड़ी सी दिमाग लगानी है भाई। देखो ये तो सभी जानते हो कनेक्टिव टिश्यू है, तो बट फ्लूड कैसे लगा दोगे बेटा? फ्लूड तो आपका ब्लड हो जाएगा, फ्लूड तो बच्चा ब्लड हो जाएगा ना, तो फ्लूड तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो बिल्कुल आपको याद आता, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है ये, बोन और आपका कार्टिलेज, ठीक है। चल अब 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है बाबू, ये बताना है। और ये भी आपको पता होगा, 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। इसका आपके न्यूमेरिकल में बड़ा प्रयोग होता है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल, बहुत अच्छे सर। अगर 1 जूल की बात करते हैं तो 10⁷ अर्ग होता है, 10⁷ अर्ग होता है, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट कोक इट प्रोड्यूसेस, जब भाप गर्म आपके कोक के ऊपर से गुजारी जाती है तो क्या उत्पन्न करता है, बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है YouTube ने एक नया फीचर निकाला है कि अगर आप अपना कमेंट हटाते हो ना तो बिल्कुल आपका पूरा कमेंट गायब हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं पता चलेगा किस बच्चे ने डिलीट किया है। क्या ऐसा है क्या भाई? मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अपनी कलाकारी यहाँ दिखा रहे हैं ना, तो मुझे ये समझ में आ रहा है। चल बिल्कुल, सिंथेसिस गैस, इसको सिंथेसिस गैस कहते हैं। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, ट्रैकिया जो होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में से किसका होता है? इंसेक्ट का, अर्थवॉर्म का, फिशेस का, या मुसल्स का, बताइए। बिल्कुल बेटा, ब्रेन मास्टर आप आराम से जाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं बच्चा, आराम से जाओ, ठीक है। चल बिल्कुल, अगर हम बात करें ट्रैकिया की बात करेंगे, ट्रैकिया किसका है? सर जाहिर सी बात है ट्रैकिया हमेशा इंसेक्ट का होता है, जैसे कॉकरोच में क्या है बच्चा आपको ट्रैकिया दिखेगा, अर्थवॉर्म में तो आपकी स्किन दिख रही है, ठीक है, फिश में आपको गिल्स दिख रहा है, बट मुसल्स में सर क्या दिखेगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फॉर द निगेटिव वर्क डन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है, सोच समझ के बताना। अगर आप बताओ कॉस थीटा की वैल्यू, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूं
ये मैक्सिमम मान आएगा भाई, यही तो है। अगर मैं सर 180 डिग्री रख दूं तब सर नेगेटिव मान आ जाएगा, तब ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। इतना भाव से भैया, क्योंकि उसकी जो लेटेंट हीट होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जो गुप्त उष्मा आप कह सकते हो वो बहुत ज्यादा होती है आपके भाप में। बिल्कुल पुनीत बेटा, ये बच्चों वाला क्वेश्चन आसा पूछ दिए, आइए चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल सर, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है। जो गुप्त उष्मा है वो बहुत ज्यादा है आपके भाप की इन कंपेरिजन टू आपके क्या बॉइल्ड वाटर। आइए चलिए, वाईफाई ऑपरेट्स ऑन द डैश फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पर, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इंफ्रारेड या रेडियो। अरे और भी महारथी लोग कहाँ हैं भाई, महारथी लोग गायब ही दिख रहे हैं, जो हमारे क्लास से कुछ बहुत ही ज्यादा महारथी बच्चे हैं वो कहाँ दिख रहे हैं भाई आजकल। बताइएगा, सेशन को लाइक भी किया जाता है बेटा अगर अच्छा लगे तो, ना नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक मार दिया जाता है। बिल्कुल प्रवीण डोगरा, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। आइए सर, रेडियो होता है बिल्कुल, और आपको सीक्वेंस भी पता है, रामिन विजुअल, रामिन विजुअल, एक्स गैमा, ये आपका पूरा सीक्वेंस होता है अल्ट्रावायलेट का। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, इनविजिबल, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक, ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल रेणु गुड इवनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया के लिए किसका प्रयोग करते हो। अभी काफी बच्चे यहाँ गलत देंगे मुझे पता है, मैं क्वेश्चन दिया हूँ ध्यान से पढ़ना, मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं देता, सोच समझ के दिमाग लगाना। मुझे पता था रेणु बेटा, तुम बेटा इतना पेपर दे रखी हो फिर भी तुम्हारा जवाब मुझे कभी समझ नहीं आता, मतलब कैसे जवाब देते हो। बताइए मतलब कैसे, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं ये क्वेश्चन कम से कम आपको 10 बार बता चुका हूँ फिर भी आप गलत करते हो, ठीक है। पीसीएस का पेपर उठाना, यूपी पीसीएस का उठा लीजिएगा और जाके एक बार देख लेना, ठीक है। और या फिर आप बढ़िया से कोई जो लेटेस्ट आपकी जो न्यूज चलती है उसको पढ़िएगा, ठीक है। और आपको कोई पीसीएस का पेपर उठाइएगा, बहुत अच्छे से पूछा जा चुका है। फास्फोरस 32 से आप ब्लड कैंसर का इलाज करते हो, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ब्लड कैंसर का। कोबाल्ट 60 से आप कैंसर का इलाज करते हो और साथ ही साथ आप ट्यूमर का इलाज करते हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फास्फोरस 32 ब्लड कैंसर, कोबाल्ट 60 कैंसर या ट्यूमर, क्योंकि कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं ना, ब्लड कैंसर के लिए फास्फोरस 32 का यूज करते हो ये ध्यान दीजिएगा। मतलब सोडियम का प्रयोग आप करते हो किसके लिए, ठीक है, कमेंट करके बताना। लेकिन आयोडीन का प्रयोग आप ग्वाइटर के लिए करते हो, ग्वाइटर डिजीज के लिए, मतलब बेसिकली थायराइड के लिए करते हो, ठीक है। आइए, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, बताना है। अरे रेणु बेटा इस बार का नहीं बोल रहे हैं बेटा, घटना चक्र किताब लगाती होगे ना, घटना चक्र अगर आप किताब लगाते होगे बच्चा ने तो बिल्कुल, तो इसमें आपको मिला होगा ये क्वेश्चन आइसोटोप वाले भी, ठीक है। आइए चलो, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, बेटा आपका सेंटर आजमगढ़ गया था, इट मीन्स आपका आसी पास कहीं होगा फिर घर भी, ठीक है, क्योंकि सेंटर तो बहुत दूर तो नहीं भेजता, लड़कियों का तो सेल्फ सेंटर डाल देता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सर, ये कॉपर एंड जिंक, हाँ सुल्तानपुर, बिल्कुल। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द रीजन फॉर द ऑकरेंस ऑफ रेनबो, बताना है। निम्न में से क्या इंद्रधनुष की रचना का मुख्य कारण होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन या ऑल ऑफ द अबव। गुज्जर बेटा तुम्हारी कहानी खत्म चल रही है, देखिए कई कारण हैं ये ध्यान दीजिएगा, एक कारण थोड़ी होता है इसका। बिल्कुल अगर आप हकीकत में देखोगे तो रेन वो जो होता है आपका डिस्पर्जन तो होता ही है, आपने देखा होगा कि क्या आपको रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, बताइए।
क्या आपको बाकी बीज कभी देखा है, सुना है ऑप्शन में? बताइए। चलिए बताइएगा, सभी लोग आपके इंतजार कर रहे हैं। चलिए, आपको रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको स्कैटरिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है, स्कैटरिंग भी देखने को मिलता है। तो बेटा आप अगर आपके ऑल ऑफ द अबव दिया है तो बिल्कुल आप उसके साथ जाइए, ठीक है, एक जवाब के साथ जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन भी है, डिस्पर्जन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, और आपको बिल्कुल TIR तो होता ही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता ही है सर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली, इसमें आपको क्या नहीं पाया जाता, मतलब आप ये ध्यान दीजिएगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ना उसमें क्या नहीं पाया जाता। मेरा आंसर तो सही है, हाँ बिल्कुल बेटा तुम्हारा आंसर सही है, बताइए। चलिए बताइएगा, बताओ। अरे जवाब दो, जवाब दो। देखो जब कभी भी आप देखोगे तो इसमें क्या नहीं होता, जानते हो कौन सा तत्व नहीं होता है? एल्बुमिन नहीं होता है, ठीक है, एल्बुमिन आपका कभी नहीं होगा। अगर एल्बुमिन आने लगा, ठीक है, तो आप समझ जाना फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू होती है, ठीक है। और एक चीज और, क्रिएटिनिन आप देखे होगे, जब कभी भी किडनी की जांच कराते हो ना, जब कभी भी आप किडनी की जांच कराते हो ना, ठीक है, तो आपको क्या जांच कराते हो सर? क्रिएटिनिन की देखोगा आपने जांच कराते हो, ठीक है। आइए, तो एबनॉर्मल कंपोनेंट होता है आपका क्रिएटिनिन, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए, अब कहोगे सर ये क्या है, अभी बताओ। नंबर ऑफ बोन्स इन थंब ऑफ हैंड, जिस अंगूठे से तुम्हें हम लाइक करने को कहते हैं, तुमसे वही पूछा गया, उस अंगूठे में कितनी हड्डियां हैं, ठीक है, तुमसे यही पूछा गया, उस अंगूठे में कितनी हड्डियां हैं। प्रवीण फिर से सोच समझ के बताना, गलत नहीं बताना बेटा, देखो आपको भी याद भी करा देंगे कैसे आपको याद रखना है। देखिए एपी गुर्जर बेटा, तुम बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब तुम जो है तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो गई है, ठीक है। आइए, ये ग्रुप पे ग्रुप जो बना है ना बेटा, अब उसी पे हाल चाल लिया करो लोगों का, कहा करोगे झूठे पढ़ लिख के, मेहनत ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है सर, फर्स्ट टाइम क्लास है, कोई बात नहीं प्रवीण। देखिए टोटल 14 बोन्स होते हैं फेलेंजेस में, इसको कहते हैं फेलेंजेस, ठीक है, ये जो हाथों इसको फेलेंजेस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिएगा, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2, कितना हो गया 14, ऑप्शन कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। अरे बेटा इतनी तो आती होगी कि अंगूठा देख के बता दोगे कि देखो सर दो ये फोल्ड तो है, दो अंगूठी है, ठीक है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज, रीढ़ की हड्डी से उठने वाली नसों की कितनी जोड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी पूछा गया है आपसे, ठीक है। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा क्वेश्चन बताइएगा, बिल्कुल बिल्कुल आनंद, वेरी गुड, ठीक है, बहुत जबरदस्त, बताइएगा कितनी होती है। सर देखो दो चीजें होती है, एक होता है स्पाइनल नर्व्स, एक होता है क्रेनियल या ब्रेन वाले नर्व्स, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम इसकी बातें करें, ठीक, अगर हम इसकी बातें करें स्पाइनल की, अगर अब क्रेनियम की बातें करें तो 12 पेयर होते हैं, स्पाइनल की बात करें 31 पेयर होते हैं, टोटल 43 पेयर नर्व्स के होते हैं, टोटल 43 पेयर होते हैं आपके नर्व्स के। जवाब कितना हुआ 31, ठीक है। आई विच एमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, सर्किट में धारा के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैंने बोला डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इससे पता लगाया जाता है,
और कोई? सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा। ओके ओके ओके, सभी का जवाब आ रहा है। कहानी खत्म बेटा तुम लोग की। आइए चलिए। अच्छा बाकी लोग क्या, किस अलग दुनिया में क्या बेटा? बाकी लोग मतलब क्यों जवाब नहीं देते हो? कसम खाए हो? मैं नहीं देना जवाब। कोई बात नहीं बेटा, हो सकता कसम खाए हो। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर होता है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन ट्रांसमिट एनर्जी, बताना इनमें से कौन सा वेव एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा। बताइए। चलिए बताइएगा। हमारे भैया लाल लालो का देख ले क्या हालचाल है, लाल लालो का हालचाल ठीक है कि नहीं बताइएगा। चलो, ऊर्जा को संचारित नहीं कर सकती है, ये बताना है। ठीक है, आइए। सर जाहिर सी बात है स्टेशनरी वेव्स होती हैं, स्थिर तरंगे होती हैं। ठीक है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स, सर क्लास क्वेश्चन टाइम डेली यही होता है। बिल्कुल प्रवीण, 9:30 बजे बच्चा रात में होती है। ठीक है, 9:30 बजे रात में होती है। ठीक है, और हम बात करेंगे तो 11 बजे आपके रात में टेक्स्ट बुक CUET चैनल पर होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक CUET चैनल पर होता है। आइए, चुंबक डैश से बने भराव को आकर्षित करते या मैग्नेट अट्रैक्ट्स फिलिंग मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं तो चुंबक आपके आकर्षित करते हैं? आयरन स्टील, ब्रास आयरन, ब्रास आयरन स्टील, ऑनली आयरन, बताओ। बिल्कुल सर, आयरन और स्टील के बने हुए उसको आकर्षित करते हैं। फिश इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, बताना है निम्नलिखित तत्वों में से मछली किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या ऑफ द अबव, किसमें से मछली किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है बताइए। बिल्कुल आनंद, आनंद का जवाब आया है देखो, बहुत अच्छा। कुछ लोग, मुझे पता है कुछ लोग अपना दिमाग लगाएंगे अलग, बट आनंद का जवाब बिल्कुल सटीक आया है। सर ये प्रोटीन होता है। कुछ लोग ये भले सोच रहे होंगे कि सर ये तो मैंने दूसरा देखा था, बेटा आपने विटामिन डी देखा होगा फिर विटामिन ए देखा होगा, बट अगर अच्छे स्रोत में बोले और ऑप्शन में प्रोटीन हो तो आप प्रोटीन को साथ लेकर ही चलेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं बेचारे को। ठीक है, आइए। ऑन हिटिंग वन एंड ऑफ आयरन रॉड, आयरन रॉड को एक तरफ आपको गर्मा दिया गया, अदर एंड ऑल्सो गेट हीटेड, दूसरा आपको देखा होगा। ठीक है, एक तरफ गर्माओ तो दूसरा अपने आप गर्म हो जाता है, ये ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, या भैया सेमी कंडक्टर ऑफ हीट, या हीटर? बताइए। बहुत अच्छे भाई, जाहिर सी बात है सर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, यह फेनोमिना कौन सा हो सकता है, कोई बता सकता है यह फेनोमिना कौन सा होता है? क्या ये रेडिएशन होता है, क्या ये कन्वेंशन होता है, क्या ये कंडक्शन होता है? बता सकता है कि ये कौन सा फेनोमिना होता है, कन्वेंशन, रेडिएशन या कंडक्शन? तीनों में से फेनोमिना कमेंट करके बताना। चल, लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स बताइए। लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स आपको बताना, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल कंडक्शन द्वारा। क्या आप मान लेते, बताइए। बिल्कुल सर, ये आपका 120 दिन होता है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नहीं बेटा पुनीत, कंडक्शन होता है बाबू। आइए चलिए, शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैसेज दैट पासेस अलोंग अ न्यूरॉन,
आपको बताना है जो न्यूरॉन को संदेश पहुंचता है वो किसके माध्यम से आप पहुंचा पा रहे हो, इम्पल्स, स्टिमुलस, वेव या शॉक। बिल्कुल एजुकेशन अड्डा, बिल्कुल बेटा, क्या हाल चाल है, काफी दिन बाद दिखे तुम क्लास में, हाल चाल बढ़िया है तुम्हारा। चलिए बताइएगा तुम्हारे साथी कहाँ है बेटा मुकेश, तुम्हारे साथी सब जिंदा है कि चल दिए, हमारे साथी सब जिंदा है कि चल बसे। आइए सर, ये इम्पल्स होता है, आवेग होता है, ठीक है। आइए, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक क्षैतिज चक्र में स्थिर गति के साथ चलने वाले शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है, बताना है आप। बेटा उनको समझा दो कि ज्यादा मजाक करेंगे ना तो बेटा जीवन में जानते हो फिर सजा ही सजा है, कुछ समय के साथ मजा करें, समय से पहले मजा ना करें, ठीक है। चलिए बताओ, एक क्षैतिज चक्र में स्थिर गति के साथ चलने वाले शरीर के कौन सा स्थिर रहता है। बिल्कुल सर, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है सर, हाफ एम वी स्क्वायर, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में आपको ये दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट टू मेजर हीट, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा के मापन की इकाई है, उष्मा के मापन की इकाई है ये बताना है। बताइए, वोल्ट, न्यूटन, फ्लक्स या जूल, बताओ। बताओ अच्छा, ओके, उष्मा के मापन की इकाई अगर आप बोलोगे बेटा मुकेश, ज्यूक, ज्यूक बेटा क्या होता बाबू, बिल्कुल जूल होता है, बहुत अच्छे, ठीक है। वोल्ट किसकी होती है सर, अब कह सकते हो सर वोल्ट किसकी होती है बताइएगा, वोल्टेज। न्यूटन सर फोर्स की होती है, फ्लक्स कोई बता सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मुकेश बेटा, होता है, होता है बच्चा। आइए, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, बताना है सर ये जो ब्रॉन्ज होता है ना वो किसका एलॉय होता है। अजय सोनी नमस्कार, अजय बेटा तुम जिंदा हो क्या, मतलब मुझे लगा कि कहीं चल तो नहीं बसे। बिल्कुल लाइट इंटेंसिटी, आइए बताएगा, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ जिंक एंड आयरन, कॉपर एंड टिन, टिन एंड जिंक या आयरन एंड मरकरी, बताइए। ब्रॉन्ज सर जो एलॉय होता है ना वो कॉपर और टिन का होता है, ठीक है, कॉपर और आपका टिन माने सर एसएन, ठीक है। आइए, टैस इज द ओवर एनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, बताना है। मान लो ये आपका एक तालाब है, ठीक है, ये तालाब है आपका, तालाब भैया देखा होगा आपने, ये देखो पूरा, ये देखो फाइटोप्लैंक्टन और ये सारी देख रहे हो, यहाँ पे आपके हरे हरे सब जम गए, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अंदर जो मछली होगी उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि बेटा बाहर क्या है जब ये ऊपर घेरा हुआ है, अंदर मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको पता है जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी उसकी मात्रा घटेगी, घट गई होगी ना, तो आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ जाएगी। पहला तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, इसे कहते क्या है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, सुपोषण कहा जाता है, ठीक है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स, किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते, भाई अच्छा क्वेश्चन, किसमें जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते, ओके। चलिए सर, ये आपका वेल होता है, ठीक है, चलिए वेरी गुड सर, वेल होता है, आप ये ध्यान दीजिएगा, वेल बेटा आपको पता है ना, वेल किसमें आती है सर, वेल मैमल्स में आती है, डॉल्फिन मैमल्स में आती है, सर वेल मैमल्स अगर है तो क्या होगा सर, लंग्स होगा ना, गलफड़ा कैसे हो जाएगा सर, ठीक है। आइए, चलिए बिल्कुल बिल्कुल आनंद, वेरी गुड,
व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ। चलिए, वेरी गुड। चलिए बताइएगा, हमारे होनहार बच्चों, होनहार बालकों, इसका जवाब कृपया बताइएगा। सही बताइएगा, गलत मत बताइएगा। स्किप करना चाहते हो? अच्छा, स्किप करना चाहते हो, ठीक है बेटा। सर, एरिडियोटिस निग्रिसेप्स होता है सर, ठीक है। पहली बार सुन रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, अजय बेटा, अभी तुम जीवन में बहुत कुछ सुनना बाकी है बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट? बताना है कौन उष्मा का कुचालक है। अरे, कौन उष्मा का कुचालक है? इबोनाइट, आयरन, सिल्वर या कॉपर? भाई, अगर कुचालक पूछा है आपसे, चलिए बिल्कुल सर, ये इबोनाइट जो रॉड होती है ना, वो आपकी कुचालक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपने क्लास 9th की किताबों में भी पढ़ा होगा, 10th की किताबों में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में ही आई। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट आर यूज्ड इन फोटोग्राफी? इनमें फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा याद रखिएगा, जो सिल्वर हेलाइट्स होते हैं ना, उनका फोटोग्राफी में आप प्रयोग करते हो। और क्यों? क्योंकि सर ये रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस्ड बाय लाइट, लाइट द्वारा ये आपका रिड्यूस हो जाते हैं, इसकी वजह से। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे सिल्वर हेलाइट दे दे तब तो पूरा लगाएंगे, अगर आपको सिल्वर हेलाइट दे दे तो पूरा लगाएंगे। अगर आपसे अलग अलग पूछता तो आपको जाहिर सी पता है कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग आपका कृत्रिम वर्षा के लिए होता है, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, समझे? दोनों चीज को समझिएगा, अगर आपको सिल्वर हेलाइट्स, ये तीनों के तीनों हेलाइट्स है, और ऑल ऑफ द एबव का दे दिया, तो आप बिल्कुल तीनों के साथ जाएंगे। लेकिन अगर कभी आपसे अलग से पूछ दे कि सिल्वर जो कृत्रिम वर्षा होती है वो इनमें से क्या है, तो सिल्वर आयोडाइड, फोटोग्राफी सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसे अलग अलग याद रखिएगा। साथ में होगा तो बिल्कुल आप ऑल ऑफ द एबव लगाएंगे, बिल्कुल। अगर एग्जैक्टली आपसे ये पूछ दे तब ये आप लगा दोगे सर फोटोग्राफी, लेकिन अगर ऑल ऑफ द एबव का दिया हो तो साथ लेके चलेंगे, ठीक है। आइए, छोड़ना नहीं है। तो विच डज नॉट कंटेन एन एंजाइम? निम्न निम्न इनमें से किस में किण्वन उपस्थित नहीं होता है, बताइएगा? पेनक्रियाटिक जूस में या सलाइवा ऑफ माउथ में, ठीक है भाई। या फिर देखो, आप अंग्रेजी थोड़ा सा, इसकी हिंदी खतरनाक है, अंग्रेजी को प्रिफर करिए। नॉट कंटेन एन एंजाइम। अजय सोनी बेटा, मैंने दोनों बातें आपको बता दिया, अब आपका मन है, अगर आपका बहुत तीव्र इच्छा हो तो आप लगा लेना, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं। आइए सर, बाइल जूस, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है। ये आपको क्या करता है, उसको तोड़ देता है बस। किसको सर? फैट को तोड़ने का, इमल्सिफाई करने का काम करता है, ठीक है। इमल्सिफाई करने का ये काम करता है, ठीक है। आइए, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंथ इज, बताना है, ठीक है। एंड बिलुवर्डिन, बिलुवर्बिन जो बिलुबिन होता है वो येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बिलुवर्डिन आपके ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति पूछा गया है, ठीक है, वो वाला पावर नहीं पूछा गया, बिल्कुल डायोप्टर। और आपको पता है डी इज इक्वल टू 1/f भी होता है, ठीक है, आपको पता है ना, डी मतलब आपका पावर बराबर 1/ फोकल लेंथ भी होता है, ये भी पता होगा। चल, डैश इज अ यूनिट ऑफ लेंथ रफली द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की लगभग लंबाई किससे मापी जा सकती है?
किलोमीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट केल्विन या जूल? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, ओके वेरी गुड, ठीक है। बाकी लोग तो लग रहा है अभी नशे में होंगे, ठीक है। कुछ लोग तो मैच वाले भी होंगे, आज मैच वाले भी होंगे ना। चलिए, कैल्विन आपका किसका है? टेम्परेचर का। जूल आपका किसका है? सभी को पता है हीट का, ठीक है। हीट का है ना भैया? मुझे नहीं पता है, मुझे बता दो भाई आप ही। देखो मुझे कुछ नहीं पता रहता, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करें किलोमीटर, भाई जानते ही आप। आइए, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ठीक है, क्या हो गया आनंद का? पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बताना है, मानव रक्त का पीएच होता है। अरे नहीं यार, मुझे कहाँ पता है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता भैया, मैं तो एकदम नादान सा छोटा सा बच्चा हूँ, ठीक है, बताइए। चलिए, बिल्कुल सर 7.4 पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, सर 7.4। कभी कभी ऐसे भी आता है तो उसको आप कह देते हो स्लाइटली बेसिक कह देते हो, या आप कभी कभी बहुत प्यार से अगर आपको लिखना होता है ना तो इसी का एक और नाम, इसको कह देते हो एल्कलाइन, ठीक है। आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? ठीक है ना, आज मुझे लग रहा है कि मैच में लोग भी व्यस्त ज्यादा हैं, ठीक है बेटा। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और मैच के टाइम बच्चा मैच। आइए, बताइएगा। ठीक है, आइए सर, ये आपका स्टील होगा, आपको पता है सर, वायु से 15 गुना ज्यादा, वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, इससे 15 गुना ज्यादा आपके स्टील में देखने को मिलता है, ठीक है। बिल्कुल कन्हैया बेटा, जय हिंद। द एंजाइम पेप्सिन, ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये रिक्वायर्स डैश मीडियम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। कन्हैया बेटा क्या चाह रहे हो, मतलब कारगिल, मतलब जो कारगिल पे जो सैनिक है, जो तैनात है, उन्हीं को बुला दिया जाए? बेटा जय हिंद तो बोला मैंने, ठीक है। आइए, पेप्सिन एंजाइम को उचित कार्य करने के लिए डैश माध्यम की आवश्यकता होती है। कभी भी याद रखिएगा, जो आपका पेप्सिनोजेन होता है, जो आपका पेप्सिनोजेन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे ही HCl के साथ मिलता है आपका पेप्सिन बन जाता है, और जो आपका प्रोरेनिन होता है, ठीक है, प्रोरेनिन, ये भी जैसे ही आपका HCl के साथ मिलता है तो ये आपका रेनिन हो जाता है। मतलब आपने क्या देखा, ये सब एसिडिक, मतलब इसको HCl की आवश्यकता है, जब तक HCl नहीं आएगा ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। आइए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज इज, ध्वनि के माप की इकाई क्या है, बताइए, ध्वनि के माप की इकाई क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या एकॉस्टिक्स? नॉइज की बात पूछी गई है तो भाई नॉइज में नाना आनंद आप एक बार डी दे रहे हो, एक बार बी दे रहे हो, भैया ऑप्शन नंबर वन है भैया, वो नॉइज जो है वो इसी में तो मापोगे ना, आपके डेसिबल में, किसमें मापोगे आप? आइए, डैश प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा है जो आपके ब्लड के बैक फ्लो को रोक देता है? जैसे मान लो ये आपका दिल, अच्छा आपने डी भी लिखा था, मैंने भी कहा बेटा आप डी भी लिख रहे हो, बी भी लिख रहे हो, ठीक है। हाँ, ये मुझे पूरा जब तक नहीं बताओगे ना तब तक बेटा जान ही रहा, यहाँ बस मैं एक ही चीज जानता हूँ, 1 2 3 4 ABCD। आइए, यहाँ पे आपका क्या है, राइट
आपका क्या है, क्या होता है? ऑरिकल मतलब ए, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपकी चार चीजें होती है। आपको पता है ये जो बीच वाली जो वॉल है ना, इसे आप कहते हो सेप्टम, इसे आप कहते हो सेप्टम। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, पहली बात। यहाँ पे आपके पता है ना, यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं, यहाँ पे आपके वॉल्व लगे होते हैं, जो ब्लड आगे बढ़ गया तो पीछे उसको नहीं जाने देते हैं, ठीक है। अरे यार तूने बेटा ऐसा मतलब कैसे यार, बिल्कुल सर, ये वॉल्व ऐसा कैसे बेटा, मतलब वॉल्व। विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स कैरीज द मिनिमम एनर्जी पर फोटोन, ठीक है। क्या हुआ? वेंट्रिकल बेटा, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल होती है। अजय बेटा वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए सबसे पहले इन जो वेना केवा होती है ना, जो आपके लिए क्या लाती है, आपके शरीर में पहले हार्ट में आपको ब्लड आ रही है आपके बॉडी से, ठीक है। वेना केवा से एंट्री आपके की कर, जो वेंट्री किया वो आपके ऑरिकल से करता है, ठीक है, आलिंद से करता है। फिर निलय से जब निकलेगा ना, निलय से आपको दाहिने निलय से निकल के कहाँ जाता है, आपके फेफड़े में जाता है। फेफड़े से शुद्ध होके फिर आपके कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में जाता है। फिर बाएं आलिंद से होके आपके शरीर में निकल जाता है, ठीक है। मतलब कहाँ पे, फिर आपके बाएं निलय से होते हुए आपके शरीर में निकल जाता है, ठीक है। चलिए चलिए, किसी ने आपको 7 मिनट्स ट्रिक में ये समझा देगी, कभी कभी आपको 7 मिनट्स ट्रिक में ये आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। रेडियो वेव्स भैया क्या होता है, एनर्जी पर फोटोन, वेव्स कैरीज द मिनिमम एनर्जी पर फोटोन, सर रेडियो वेव्स होते हैं। आइए, वॉट इज द फोर्स रेस्पॉन्सिबल टू बेंड स्ट्रेट पाथ इन टू सर्कुलर पाथ ऑफ अ बॉडी, एक वस्तु के सीधे पथ को वृत्ति पथ में झुकाने के लिए जिम्मेदार बल क्या होता है, सीधे पथ को वृत्ति पथ में। चल ये रहा बच्चा आपका हर्ट, इसको आप दायां मान के चलोगे, इसको बायां मान के चलोगे, ठीक है। ये ऑरिकल होता है और ये आपका वेंट्रिकल होता है, ये ऑरिकल होता है, ये वेंट्रिकल होता है। याद रखिएगा, आपके शरीर में ब्लड यहां से जाता है, शरीर में हार्ट में ब्लड यहां से आ रहा है, फेफड़े के बाद आपको यहाँ आ रहा है, ठीक है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे मैं आपको 7 मिनट ट्रिक में ये चीजें समझा दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, बिल्कुल आपको पता है, केंद्राभिमुख बल बोलते हैं, और अगर सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे तो भैया आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, मथनी और आपके कपड़े को धुलना वो सभी आपके सेंट्रीफ्यूगल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, और आपका कोई भी एक क्वेश्चन ही पूछा गया था, कोई भी चीज अगर आपके रिवॉल्व कर रही है तो उसमें कौन सा बल लग रहा है, तो आप कहोगे सर दोनों बल लग रहा है। अगर अंदर लग रहा है तो बाहर वाला भी तो लग रहा है, तभी तो इसको बैलेंस कर दे रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोग बस यही बताते हैं कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, लेकिन ना अंदर भी तो सेंट्रीपिटल लग रहा है, दोनों याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका दोनों बल उस समय लगता है। आइए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना वो किसके लिए मान्य है, पॉइंट मास, लार्ज मास, टेरेस्ट्रियल बॉडीज या ऑल ऑफ द अबव, बताओ। बताइए बताइए जल्दी से। चलिए सर, एक पॉइंट मास के लिए भी आपका वैलिड, मतलब बिल्कुल एक पॉइंट मास के लिए भी वैलिड है ये, ठीक है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनमें भैया ट्रांजिशन पावर बहुत तगड़ी होती है, इनका काम क्या होता है आपको ये भी बता दूं अगर मैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको स्ट्रॉन्सियम का नाम सुना होगा, क्रोमियम का नाम सुना होगा, ये सब करते क्या है ना, ये सब जितना भी आपने देखा होगा ये सब आपको देखो पटाखों में प्रयोग होते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा हीट दो, तुरंत ये देखो अपने एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन। बेटा मुकेश अड्डा ऐसे बेटा जवाब दोगे, मतलब ऐसे ही काम होगा, ठीक
ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे गलती नहीं करना है, ठीक है, और आप ये ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए, अरे बेटा मैं ये जवाब आपने गलत दिया था, ये मैं बोल रहा था, पैलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है मुकेश बेटा, कभी मोबाइल को आराम भी दे दिया करो, ठीक है, मोबाइल को थोड़ा सा आराम दोगे ना तो वो एक लंबा उसका जीवन काल चलेगा, आराम नहीं दोगे तो बेटा जैसे आप हो, आपको अगर सुबह से शाम तक काम करा दिया जाए तो आपका जीवन काल घट जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मोबाइल को आराम दीजिए, बहुत आगे बढ़ेगी आपकी मोबाइल, आइए और आप उसके साथ साथ। पैलियंटोलॉजी सर फॉसिल्स का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, प्राइमेट्स का प्राइमेटोलॉजी, बर्ड्स का ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का बोन्स का ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, पक्षी का ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, प्राइमेट्स का प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, आइए, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बताना है मूत्र का जो पीला रंग होता है किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। आपकी जो अगली क्लास है वो 11 बजे है, वो टेक्स्ट बुक CUET चैनल पे है, यहाँ पे आपको मैं मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन इन द सेंस आपके GK GS का, ठीक है, आपके GK GS के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं, ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल सर ये यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण आपका ये देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। सुशांत सर टेक्स्ट बुक आपका टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पे आप PDF क्विज डिस्कशन डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पोल्स किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज भी डाल सकते हैं मुझे, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, CDS CAPF FCAT इन सभी की तैयारी आप कर सकते हैं। बोलती है कि सर सही बोलते, पुनीत बेटा किस बात के लिए, किस बात के लिए बाबू, ठीक है, 900 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 300 से ज्यादा स्टडी नोट्स, ठीक है, अब सुत पास का यूज करके आप 25% ऑफ ले सकते हैं अपने किसी भी किस पे जो भी पास आप लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद। 9:30 बजे आपकी यहाँ पे क्लास चलती है, टेस्ट बुक डिफेंस में चलती है, ठीक है, 11 बजे जो आपकी क्लास चलती है वो कहाँ चलती है, टेस्ट बुक CUET पे चलती है, ठीक है, बिल्कुल 11 बजे मिलते हैं, सभी लोग अपने दोस्त मित्रों को बुला लेंगे टेक्स्ट बुक CUET चैनल पे, मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल, जय।